वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है उसके द्वारा हमारे बीच में फरीदाबाद से एक नील गाय का छोटा बच्चा है, इसको लेकर के आया गया है, जिसके पैर में फ्रैक्चर है, उसका पैर टूटा हुआ है और हिप्स जो होती है यानी कि हमारी जो कूला है, इस कूले से पूरा ही पैर टूटा हुआ है। कौन से गांव से लाए भैया? कौन? गड़ौता। अच्छा, ये जो नील गाय है, ये भैया बता रहे हैं जो लेकर के आए हैं, ये गाँव में किसी कुएं में गिर गई है, जो कुआ होता है जिसमें पानी निकालते हैं, तो आजकल उसमें पानी होता नहीं है, नीचे मोटर लगी हुई थी लोहे की, जैसे ये जब गिरी है तो मोटर के ऊपर ये जो हिस्सा है ये गिरा होगा संभवतः, और उस वजह से ये पूरा पैर यहाँ से टूट गया है, एक चोट जख्म भी है यहाँ पर, तो क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि इस जीव के अंदर इलाज करना बहुत थोड़ा असंभव है, बहुत मुश्किल है, इसका हार्ट बहुत सेंसिटिव होता है और हो सकता है कि ये ज़्यादा मतलब जी भी ना पाए, 2-4-5 दिन जैसे भी यदि जी सकती है, और इस जगह का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, यानी कि यदि हिप्स यहाँ से टूट जाए तो इसको ना तो आसानी से प्लास्टर कर सकते ना जोड़ सकते, और यहाँ का कोई यदि पैर यहाँ से नीचे कहीं से टूट भी जाए तो उसको तो हम एम्प्यूट भी कर देते हैं, काट देते हैं, तो काटने के बाद वो संभवतः बच जाए, पर लेकिन इस जगह का तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो बहुत दुखद है ये घटना। और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो जो हो सकता है बैंडेज वगैरह कुछ हम करेंगे, और उसके बाद इसी उम्मीद में कि ये यदि इसको ज़्यादा दर्द ना हो और जब तक जिए आराम से जिए। फार्म भरवा दो एक। अभी इसको अन्य जीव जंतु वार्ड में, जहाँ और भी जो नील गाय हैं उनके साथ में ही रखेंगे। उससे पहले जो नील गाय आई हैं उनका भी पहले एक बार एक नील गाय का एक्सीडेंट हुआ था, दो बहुत छोटे छोटे बच्चे आए थे नील गाय के, तो उनके साथ अभी क्या है, थोड़ा मेंटली उसको ऐसा लगेगा कि एक फैमिली जैसे में ही है, क्योंकि ये जीव मनुष्यों के साथ में रहने के आदि नहीं होते, खेतों में ऐसे ही घूमते हैं, रोज इनको बोलते हैं, तो अभी इनके साथ में जो और जो रोज़ है इनके साथ में इसको रखेंगे, और ट्रीटमेंट अभी इसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया है। बाबा उसमें दे देना कुछ, वाम लाओ कुछ, वाम दे दो। ये एक नील गाय का पहले बच्चा आया था जो घूम रहा है, वो बहुत स्वस्थ है पूर्ण रूप से, ये आए थे छोटे छोटे नील गाय के।